हमारे पास एक अलौकिक वस्तु है जो आज आपके लिए है। क्या आप तैयार है ना उस अलौकिक चीज को पाने के लिए जो आपके भौतिक जीवन को सही कर सकता है? वो अलौकिक चीज जो उसके वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाएगा, वो हीलिंग पाएगा, वो जीवन पाएगा। आज आपके अंदर यदि आप काम पे जाते हैं तो आपके अंदर संसार का स्वभाव नहीं होना चाहिए, आपके अंदर मसीह का स्वभाव होना चाहिए। आप जब किसी बाजार में जाते हैं सामान को बेचने के लिए, आपके पास संसार का स्वभाव नहीं होना चाहिए, आपके पास मसीह का स्वभाव होना चाहिए। क्योंकि मसीह का स्वभाव बहुत बातों को आशीष लेके आती है यीशु मसीह के नाम में। मसीह का स्वभाव आपके टूटे हुए जिंदगी को बना देगा यीशु मसीह के नाम में। मसीह का स्वभाव आपके लंगड़े जिंदगी को सही कर देगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु का स्वभाव उस मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर देगा यीशु मसीह के नाम में। मसीह का स्वभाव आपकी परिस्थिति को सही कर देगा यीशु मसीह के नाम में। प्रिय भाई बहनों, एक वचन लिखा है नीति वचन में, नीति वचन 25वां अध्याय 15 पद। नीति वचन 25 का 15 कहता है कि धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता है और कोमल वचन हड्डियों को तोड़ डालता है। यीशु का वचन दिखने में बिल्कुल आसान है एकदम। हम इसे पढ़ रहे होते हैं, हम इसे मनन कर रहे होते हैं, और जैसे हमारे अंदर उसका स्वभाव आएगा पढ़ने के द्वारा, मनन करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, चर्च आने के द्वारा, जैसे ही मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आएगा, हमारे हाथों के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा चमत्कार होने लगेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं भैया हमें भी चमत्कार करना है, हमें भी बड़े काम करना है। प्रिय भाई बहनों, केवल चमत्कार ही इस बात का प्रमाण नहीं कि आपके अंदर प्रभु का स्वभाव है। हमारी भाषाओं में, हमारे प्रेम में, हमारे व्यवहार में, हमारे चाल चलन में उसका स्वभाव प्रकट होना चाहिए। केवल चमत्कार ही नहीं कि केवल हम चमत्कार करके ही उसका स्वभाव प्रकट कर सकते हैं। नो, केवल चमत्कार ही नहीं, अगर वो दुष्ट आत्मा निकल गया ऐसा नहीं कि आप स्वभाव में बिल्कुल सही हो। हमारी भाषाओं में, प्रभु कहता है कि किसी इंसान को कैसे पहचान पाओगे? उसके फल से। फल क्या है? इसीलिए प्रभु ने सामर्थ्य, प्रभु ऐसे भी दे सकते थे, प्रभु इसीलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा दिया। वो पवित्र आत्मा आया तो पवित्र आत्मा सामर्थ्य के साथ फल को भी लेके आया। हाँ, जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो अनन्य भाषा बोलने लगे और सामर्थ्य से भर गए। तो जब पवित्र आत्मा आया तो फल को भी लेके आया, विथ सामर्थ्य को भी लेके आया आपके अंदर। तो आप सामर्थ्य को और पवित्र आत्मा को अलग नहीं कर सकते, उसके फल को अलग नहीं कर सकते हो। यदि आपने अलग कर दिया है तो कोई गारंटी नहीं कि आप मसीह के स्वभाव में हो। आप जब किसी से बात करोगे तो आपके अंदर फल समझ में आएगा, आप किसी से व्यवहार करोगे तो आपके अंदर का फल समझ में आ जाएगा कि ये कैसा है। इसलिए प्रभु ने गलातियों 5:19 में फल दिया उसने, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, 9 फल दिया उसने। और ये 9 फल के साथ जब आपके अंदर उसकी सामर्थ्य भी काम करती है, प्रभु का जब आपके अंदर ये फल काम करेगा तो सामर्थ्य पूरी तरीके से लोगों के जीवन को हील करेगा। हालेलुया। बगैर परमेश्वर के नेचर के, ये नेचर है प्रभु का, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ये प्रभु का स्वभाव है, ये प्रभु का स्वभाव है। उसको एक बार पढ़ के देख लेते हैं। गलातियों की किताब को खोलेंगे आप जल्दी से, गलातियों उसका 5वां अध्याय को खोलिए। गलातियों 5वां अध्याय, हालेलुया, सॉरी 19 नहीं है, 22 है। गलातियों 5:22 में क्या लिखा हुआ है? आत्मा का फल, वाओ, आत्मा का फल नेचर क्या है? प्रेम करना, आनंद, आनंदित रहना, शांति, धीरज धरना, कृपा करना, भलाई करना, विश्वास करना, नम्रता में रहना, संयम में रहना, ये नेचर है। क्या ये नेचर आपके भीतर है? यही नेचर पत्रस के अंदर था और वो सामर्थ्य तेजी से काम किया, आमीन, और उसके पूरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, ये क्या आप मसीह में हैं?
अक्सर मैं शाम को लोगों से, कुछ लोगों से मिलता हूं तो उनसे बात करता हूं, क्या आप मसीह में हो? क्या आपके अंदर प्रभु का स्वभाव है? कोई आपको गाली दे रहा है तो क्या आप उसे आप गाली दे रहे हो? अगर आप भी उसे गाली दे रहे हो तो आप कभी भी प्रभु के स्वभाव में नहीं हो, और भूल जाओ कि आपकी परिस्थिति कभी बदलेगी या आप किसी को बदल सकते हो। जब तक आपके अंदर मसीह का स्वभाव नहीं आएगा, अगर पत्रस गाली देता होता, पत्रस गुनाह में होता, तो क्या उस लंगड़े को जो जन्म का लंगड़ा है क्या वो चंगा हो पाता? कभी नहीं। हालेलुया। ध्यान से सुनो मेरे प्रिय भाई बहनों, अंधे को आंखें खोलना, लंगड़े को चलाना, मरे वो को जिंदा करना, ये केवल खुदा ही करता है। जब तक परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर नहीं है, जब तक आप प्रभु के स्वभाव में नहीं चलोगे, आप इन कामों को अपनी आंखों के सामने नहीं देखोगे। पर यदि चलना शुरू करोगे तो लंगड़ा भी चलेगा, अंधा भी देखेगा, मरे हुए लोग भी जिंदा होंगे। आमेन, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, शैतान ये काम नहीं कर पाएगा, भूल जाओ, ये शैतान के बस का काम नहीं है। परमेश्वर ही है जो अंधे को आंखें खोल सकता है, लंगड़े को चला सकता है। और जब तक आप प्रभु के स्वभाव में, देखो भाई हमारी बात सुनो, जब तक आपके अंदर परिपूर्णता नहीं रहेगी, परमेश्वर परिपूर्ण है, यीशु परिपूर्ण है, और जब तक उसका स्वभाव आपके अंदर नहीं है पूर्ण रूप से, आप ये काम नहीं कर पाओगे जो भी हो रहा है। छोटा मोटा काम कर सकते हैं, हाँ प्रार्थना कर दिया, बुखार चला गया, बस इतना ही। पर जब मसीह का स्वभाव आ जाएगा आपके अंदर, जब मसीह का नेचर आपके अंदर आ जाएगा, तो लंगड़ा भी चलेगा, अंधा भी देखेगा, मरे हुए लोग भी जिंदा हो जाएंगे। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दे, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, आज उस नेचर को हमें लेना है। आज हम आपको यहां से देंगे, आज सेवकाई आपको खुदा का नेचर देगा, आज कलीसिया प्रभु का नेचर आपको देगा। पत्रस जब प्रचार कर रहे थे तो आप जानते हैं, लिखा है प्रेरितों 2 में, जब पत्रस प्रचार कर रहे थे तो लोगों के हृदय छिद गए भाई। हाँ, लोगों के हृदय छिद गए, वहां वचन में लिखा है। इसका मतलब क्या है, कैसे हृदय छिद गए भाई? वहां लिखा है और प्रेरितों 2:37 में, सुनने वालों के हृदय छिद गए। मतलब परमेश्वर को जो वचन है वही परमेश्वर का स्वभाव है। प्रभु का वचन कहता है कि बुराई मत कर, तो हमें बुराई नहीं करना है। कुछ लोग बोल देते भाई, अगर हम चोरी नहीं करेंगे तो हमारा पेट नहीं भरा होगा, ऐसे कुछ लोग बोल देते। बड़े अजीब अजीब आदमी मिलते हैं भाई। कुछ लोग बोलते भैया, अगर हम दाढ़ी नहीं मारेंगे, तौलेंगे नहीं, अगर हम सही तौल देंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम उसमें थोड़ा से तमाम अनाप शनाप कर देते हैं, इसलिए लोगों हमें कुछ फायदा हो जाता है। क्या कर रहे हैं भाई आप, हैं? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन को जब हम पढ़ेंगे तो नीति वचन में ऐसे ही कुछ वचन लिखा गया है, हमारी तौल सही होनी चाहिए। अगर हमारी तौल सही नहीं हुई तो हमारे जीवन का भी तौल सही नहीं रहेगा। जरा आप समझिएगा भाई। हाँ, अगर हम सोचते हैं कि हमारा जीवन सही हो, पर हमारा जीवन सही कब रहेगा? हम खुद ही हमारी जिंदगी का तौल सही नहीं है, तो आपकी जिंदगी कहाँ तक सही हो पाएगी? हैं, नीति वचन 11 अध्याय उसके पहले वचन को अगर हम पढ़ें आपके लिए, तो जिसके पास तराजू वाले लोग हैं भाई, ध्यान से सुने, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, और परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। आपका बटखरा पूरा होना चाहिए भाई। वो कहता है छल का तराजू, अगर आपके तराजू में छल है तो आपकी जिंदगी में भी छलावा होगा किसी न किसी के द्वारा। प्रभु कहता है पूरे बटखरे से परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो पूरे बटखरा, अगर 1 किलो का बटखरा है तो उसको 1 ही किलो के बना के रखिए, उसको आप कम मत करिए, 800 ग्राम का मत करिए उसे, 700 ग्राम का मत करिए आप उसे, क्योंकि मसीह यदि आपके अंदर है, अगर उसका स्वभाव आपके अंदर है, अगर आप सही तौलोगे तो आपकी जिंदगी में इससे कहीं अधिक ब्लेसिंग आपके लिए रखी हुई है। हाँ या ना, समझ रहे हैं आप? इसलिए परमेश्वर इस बात को आपको समझा रहा है, आज उसका नेचर आपकी जिंदगी को ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर का स्वभाव आपकी जिंदगी को सही करेगा। बोलिए, प्रभु कहता है लाजर कब्र से बाहर निकला, और वो कब्र से बाहर निकल आता है। सोचो जरा,
और वही नेचर पतरस के अंदर था। दोरकास महिला जब मर गई थी, प्रेरितों में जब पढ़ेंगे वो मर चुकी थी, और वहां पे देख सुना गया कि पतरस किसी दूसरे एरिया में, तो लोगों ने बुला के लेके आया। और जब पतरस अंदर जाता तो सबको बाहर करके दरवाजे को बंद करके घुटने पे आकर दुआ करना शुरू कर देता है, और जब दुआ करता वो दोरकास महिला जो मर गई थी वो जिंदा हो जाती है यीशु मसीह के नाम से। समझ रहे हैं आप, प्रभु का नाम लेने से काम नहीं है। नाम तो आप खूब प्रभु का ले रहे हो, पर तराजू आपकी सही नहीं है, छल की तराजू है आपकी, झूठ की तराजू है आपकी। आपके अंदर नाम तो यीशु मसीह का है, पर गुटखा पान नशा सारे नशा आप करते हैं, और आप कहते हैं भैया मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, मेरा बच्चा भी सही नहीं हो पा रहा है, मेरी पत्नी नहीं सही हो पा रही है। आप ध्यान से सुनो, अगर आप सही हो तो सब कुछ सही हो जाएगा, अगर आप सही नहीं हो तो सही नहीं होगा। परमेश्वर आपसे इस बात को बोल रहा है, समझिएगा। परिस्थिति आपकी सही नहीं होगी, आपके बच्चे सही नहीं होंगे, आपके बच्चों में व्यभिचार आ जाएगा, आपके बच्चों में तमाम प्रकार की गलतियां आ जाएंगी। इसलिए माता पिता यदि आप हैं तो आपको सही होना है, क्योंकि आपके अधिकार में बच्चे हैं। अगर बच्चे बिगड़े हुए हैं, बच्चे नहीं सही हो रहे हैं, तो माता पिता को प्रभु के स्वभाव में आकर प्रार्थना करने की जरूरत है, चर्च आने की जरूरत है, वचन पढ़ने की जरूरत है, वचन सुनने की जरूरत है, उपवास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। आपका बेटा बगैर मारे पीटे, बगैर डांटे हुए वो सही हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु का स्वभाव जब उस जन्म के लंगड़े को सही कर सकता है, तो क्या आपके बेटे को सही नहीं कर सकता? जब जन्म का लंगड़ा प्रभु के स्वभाव में चंगा हो गया तो आपकी परिस्थिति नहीं सही हो सकती? क्या आपकी बेटी के लिए सही रिश्ता नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या आपका घर नहीं बनेगा? बनेगा। क्या बीमारी नहीं जाएगी? जाएगी, जाएगी, जाएगी। आपको प्रभु के स्वभाव में जीना है, शैतान से लड़ना है, हमें उसे भागना नहीं है। पिछले दिनों एक बहन आई, बोला भैया हम जैसी प्रार्थना करना और बढ़ा दिया, बीमारी और बढ़ गई, समस्या और तेजी से बढ़ गई। प्रार्थना पहले आधा घंटा करते थे तो कुछ नहीं होता था, जब हमने प्रार्थना एक घंटा कर दिया बीमारी और बढ़ गई, और मेरा बेटा बीमार हो गया, मेरा बेटी बीमार हो गया, मैं क्या करूं? हमने कहा पीछे मत हटो, हमने कहा पीछे मत हटो। यदि शैतान आपके परिवार को घायल कर रहा है तो आपके पास भी शस्त्र है, आपके पास भी हथियार है। अगर आप प्रार्थना आधा घंटा करते थे तो एक घंटा करो, अगर एक घंटा प्रार्थना करते थे तो उसे डेढ़ घंटा कर दो भाई। चर्च नहीं आते तो चर्च आना शुरू करो, नियमित चर्च आओ। उपवास नहीं रखते थे, उपवास करो, शुरू करो इन परिस्थितियों को अपने जीवन में, आत्मिक शुद्धि को लो अपने जीवन में। कभी उपवास नहीं रहा, उपवास रखो, हफ्ते में एक दिन या दो दिन उपवास रहो, लड़ना शुरू करो शैतान से। चार दिन के बाद वो आपके घर से भाग जाएगा, आपके बेटे बेटी सब सही हो जाएंगे। आमीन, बोलो, ताली बजा के परमेश्वर को महिमा दो। क्या आप समझ रहे हैं? आपने प्रार्थना बढ़ा दिया तो शैतान खींचेगा नहीं, ओ गुस्सा होता है वो आपको डराना चाहता है, वो आपको धमकाना चाहता है ना, तो आप उसकी धमकी को मान लोगे? बताओ, अगर वो आपको धमकाए हमने प्रार्थना नहीं करना तो आप प्रार्थना बंद कर दोगे? आप प्रार्थना करना शुरू करोगे, हो सकता है आपका कोई दर्द शुरू हो जाए तो आप प्रार्थना करना बंद कर दोगे? आप एक बार चर्चाए, दो बार चर्चाए, तीसरे बार में शैतान ने आपको कहीं गिरा दिया, आपको कहीं चोट लग गया, या आपके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आ गई, ओ बाप रे चर्च गया तभी प्रॉब्लम आ गई। अरे सोचो जरा, शैतान की गुलामी से आजाद हो, आपको लड़ना है उससे, फाइट करना है उससे, लड़ो। लड़ने के लिए प्रभु ने अपना स्वभाव दिया है, जैसे आप उसके स्वभाव में आ जाओगे दूर दूर तक शैतान नजर नहीं आएगा, उसके कार्य नजर नहीं आएंगे, वो हमेशा के लिए जाएगा। आप पूछते हम आपसे, बताइए शैतान की गुलामी चाहिए क्या आपको? हाँ, वो चोरी करवाता है, व्यभिचार करवाता है, वो केवल बीमारी नहीं करता, वो केवल आपके अंदर बीमारी नहीं देता है,
वो आपके बच्चे के अंदर व्यभिचार को बढ़ावा देगा, आपके घरानों के अंदर पाप का बढ़ावा देगा, आपके जानवरों को मारेगा, वो तमाम समस्या लेके आता है, आपके पति की नौकरी को छुड़वा देगा, आपके पति को एक्सीडेंट करवा देगा, उसका तमाम रणनीति रहता है। क्या करोगे आप? शैतान के सामने झुकेंगे आप? नहीं, बोलो नहीं, तेजी बोलो नहीं झुकेंगे। शैतान से कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना। हाँ शैतान अंकल, आइए आइए, आप भी एक बगल बैठिए, हम भी एक बगल बैठते हैं, आइए थोड़ा से पी लेते, ऐसा कभी नहीं करना। शैतान के साथ कोई समझौता नहीं। अगर आपने चर्च आना शुरू किया है, बीमारी बढ़ा है, तो चर्च और आओ, नियमित प्रार्थना में आओ, नियमित वचन को सीखो, नियमित प्रार्थना करो, उपवास करो और उसका सामना करो, वो परिस्थिति बदलने जा रही है। जन्म का लंगड़ा है, केवल प्रभु ने कहा मैं तुझे देता हूं, वैसे आज प्रभु आपको देगा। पत्रस एक पास्टर है, वो कलीसिया का अगुआ है, वो सुनो ध्यान से, वो सेवकाई करने वाला बंदा है, उसको मालूम है कि ये पाप की स्थिति के कारण ऐसा हुआ है, पर जब प्रभु का स्वभाव जाएगा तो पाप खत्म हो जाएगा, पाप की पावर खत्म हो जाएगी, पाप की शक्ति खत्म हो जाएगी जब प्रभु का स्वभाव जाएगा। लेके आओ, लेके आओ। आज आप बीड़ी पी, चर्च आते हो, चर्च से छूटा, कुछ दूर आकर के बीड़ी पी रहे हो, किसका स्वभाव है भाई? हाँ, पत्नी मर रही है, आपको कोई भी दुख नहीं है, या पति मर रहा है, पत्नी व्यभिचार में, या कहीं भी सब कुछ गड़बड़ है, कुछ भी ठीक नहीं है, बच्चे दूसरे रास्ते पे, आप दूसरे रास्ते पे, घर में लड़ाइयां मची हुई हैं, अरे कोई तो एक बंदा सही हो जाए, उसमें से प्रार्थना करना शुरू करे। जब एक पापी से पूरा घर पाप में बदल सकता है, तो एक व्यक्ति के पवित्रताई से पूरा घर पवित्रताई में जा सकता है। अल्लेलुया बोलो। अरे एक आदम, फर्स्ट आदम, पहला आदम जो मिट्टी का बना था, उसके द्वारा पाप जगत में आ गया, पर सेकेंड आदम, दूसरा आदम, मिट्टी का नहीं बना था, वो आत्मा का बना था, और जब वो आत्मा वाला आदम आया जिसका नाम यीशु मसीह है, उस एक आदम की वजह से पूरी दुनिया आज पवित्रताई की ओर जा रही है, पूरी दुनिया प्रभु पर विश्वास करके उद्धार पा रही है, एक आदमी के कारण, एक आत्मिक व्यक्ति के कारण। शारीरिक मत बनो, आत्मिक बनो, प्रभु का स्वभाव लेके आओ, उसका स्वभाव जैसे ही आपके अंदर आ जाएगा, आप एक आत्मिक व्यक्ति बन जाओगे। हमारे साथ बोलो, आप एक आत्मिक व्यक्ति बन जाओगे। बोलो, हमारे अंदर आज से संसार का स्वभाव नहीं रहेगा। बोलो, हम आज से हमारे अंदर संसार का स्वभाव नहीं रहेगा, परंतु प्रभु का स्वभाव रहेगा। जब प्रभु का स्वभाव आपके अंदर आ जाएगा, तो आप एक आत्मिक व्यक्ति बन जाओगे, और जब आप आत्मिक व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर घर में आत्मिक रीति से परमेश्वर के स्वभाव में चलना शुरू किया, तो धीरे धीरे उस घर से शैतान की पावर, शैतान की योजनाएं, शैतान की चाल खत्म हो जाएगी। आमीन बोलो, खत्म हो जाएगी एक व्यक्ति की वजह से। सोच लेना प्रिय भाई बहनों, इसलिए प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू डर मत। आज क्यों डर रहा है? आज अगर आज आपने प्रभु को ग्रहण किया, गाली सुन रही है, गाली आपको सुनने को मिल रहा है, सुनो, सुन लो, प्रभु का स्वभाव है, प्रभु गाली खूब सुनता है, प्रभु गाली सुना, मार भी सुना, लेकिन अंत में उसने मृत्यु को भी मारकर उसे बंद करके जिंदा हो गया, असली हीरो वही है। सोच लेना, डरपोक नहीं बनो, साहसी बनो, डरपोक मत बनो। अगर कोई गलत काम करने के लिए हमसे बोल दिया, हम नहीं करेंगे, गलत काम करने के लिए बोल दिया, हम नहीं करेंगे, मसीह के स्वभाव में चलो, मसीह के स्वभाव में। शरीर तो एक दिन जाना ही जाना है ना, तो गलत काम करके हम नरक में क्यों जाएं? हाँ, क्यों जाएं हम भाई? अगर हमारा कार्य सही है तो हम खुदा के साथ रहेंगे ना। आज अच्छा, कुछ लोग बोलते भाई हमारी आत्मा सही है, हमारा शरीर कुछ भी करे। ध्यान से सुनो, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, हमारी आत्मा सही है, हमारा शरीर कुछ भी गलत काम करे, हमारी आत्मा स्वर्ग जाएगी। क्या है सही है? नहीं। अरे प्रिय भाई बहनों, यही तो शरीर है उसका मंदिर, ये तो उसी में रहना चाहता है ना। अगर ये आपका मंदिर ही गड़बड़ है, पाप का मंदिर है, तो कौन सा स्वर्ग, कहां तुम जाओगे भाई? सीधे सीधे तुम नरक में जाओगे।
आप प्रभु के काम का प्रगटीकरण कैसे करेंगे? आत्मा, केवल आत्मा प्रभु के काम का प्रगटीकरण नहीं कर सकता है। अगर हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकल जाए, आत्मा क्या काम कर पाएगा? कुछ कर सकता है? वो नहीं कर सकता। दाऊद तो यही कहता है ना, प्रभु मिट्टी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती है, इसलिए प्रभु ने हमें देह दी है। जब यह देह दिया है तो इस देह के द्वारा हम प्रभु के कामों को प्रगटीकरण करते हैं। अरे तभी तो पतरस खड़ा हुआ, बोला हमारे पास सोना चांदी भैया तो नहीं है, मेरे पास जो है वो तुझे देता हूं। हा? और उसने कहा यीशु मसीह के नाम से, यही मंदिर की आवाज आई। इस भी मंदिर अगर आपकी पवित्र है तो यह मंदिर यूज होगी, प्रभु इसे इस्तेमाल करेंगे। आप प्रभु को इस्तेमाल नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं भैया हम वहां गए, वहां से बहुत सारे लोग आने लगे, मैं वहां गया वहां से ये हो गया। आपका ये बल नहीं है, ये प्रभु का बल है। प्रभु हमें यूज करे, प्रभु हमें इस्तेमाल करता है वो। और जब प्रभु आपको इस्तेमाल तब करेगा जब आप पवित्रताई में चलोगे, जब आप सांसारिक नहीं बनोगे, आप जब शारीरिक नहीं बनोगे, आप आत्मिक व्यक्ति बनो, आप आत्मा में चलने वाले बनो। हाथों को उठा के बोलो, जब हम आत्मा में चलेंगे तो सारे काम कर सकते हैं। प्रिय भाई बनो, यदि हम शारीरिक जीवन जिए, यदि पाप का जीवन जिए, इस शरीर से हमने झूठ बोला, इस शरीर से हमने व्यभिचार किया, इस हड्डी और मांस वाले शरीर से पाप किया, तो आपकी आत्मा सीधे नरक जाएगी, क्योंकि आत्मा अपना काम इस शरीर के द्वारा कराता है। अगर आपकी आत्मा पवित्र है, होलीनेस में आपका है, आपके अंदर खुदा का स्वभाव है, तो यह शरीर भी होलीनेस काम करेगी, पवित्रताई का काम करेगी, यह झूठ नहीं बोलेगी, यह व्यभिचार शरीर नहीं करेगा फिर। इसलिए प्रभु कहता तू मेरे स्वभाव को ले, जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तेरा स्वभाव हो जाए। प्रिय भाई बहनों, आज से आप अपने जीवन को सही कर पाओगे। आप हार नहीं मानो, शैतान हारने जा रहा है। आप हार नहीं मानो, बीमारी हारने जा रही है। आप हार मत मानो, गरीबी खत्म होने जा रही है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव जब उस जन्म के लंगड़े को सही कर सकता है जिसके पैर में गांठें पड़ गई थी, जिसकी हड्डियों में गांठ पड़ गई थी, जब प्रभु उसको सही कर सकता है तो आपकी परिस्थिति को क्यों नहीं, आपकी परिस्थिति को क्यों नहीं सही करेगा? आप सही हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे, आप जीवन पा जाएंगे। पर आज से जो कोई आपसे बात करे तो उसे लगे कि मैं यीशु मसीह से बात कर रहा हूं। यस, जब आपसे बात करे कोई तो उसे लगे कि मैं यीशु से बात कर रहा हूं। जब आपके साथ कोई खाना खाए तो लगे कि हम प्रभु के साथ खाना खा रहे हैं। जब आपके साथ कोई संगति करे तो लगे कि मैं यीशु मसीह के स्वभाव में हूं। प्रिय भाई बहनों, उसका स्वभाव ही आपके जीवन को सही करेगा। परमेश्वर का नेचर ही आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर का आत्मा का, जो परमेश्वर के वचन का स्वभाव है, जो वचन है, ये नेचर है, बाइबल खुदा का नेचर है, इसको आप जब अंदर लेंगे तो आपकी परिस्थिति बाहरी रूप में बदलने लगेगी। पतरस के अंदर खुदा है, पतरस के अंदर यीशु है, पर बाहरी रीत से क्या कर रहा है वो, एक लंगड़े को चंगा कर रहा है। इसका मतलब है आपका आपका जमीन नहीं है, आपके खेत आपका मुकदमा है, आपके आपके जमीनी विवाद है, आपका परिवार के बच्चे गुनाह में पाप में, आपके घर में बांझपन है, आपके परिवार में गरीबी है, कंगाली है, आपके घर में तमाम प्रकार की दुष्टात्माओं का, तमाम प्रकार के अंधकार की शक्तियों का दबदबा है, तो चिंता नहीं करें। आज प्रभु कहता है कि तू मेरे स्वभाव को ले। आज जब हम प्रभु के स्वभाव में चलेंगे तो एक तरफ 1,000 गिरेंगे, एक तरफ 10,000, परंतु आपको कुछ हानि नहीं होगा। यीशु आश्रम मिनिस्ट्रीज की हर लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।